ट्यूनिंग का जो कल्चर है वो स्पोर्ट्स कार से ही आया है, जो आज बंदे नॉर्मल गाड़ियों में करवा रहे हैं, है ना। तो ये सवाल पूछना मेरे हिसाब से गलत है कि भाई आपने ऑडी टीटी में ट्यून क्यों करा लिया। अब आएगा, मुझे डराना मत। अब देखो भाई, ये देखो, सकता है कुछ 10-12 लाख रुपए खर्चती होंगे। तो यार बहुत बहुत वेलकम तुम्हारा इस मिहिर गलत के नेक्स्ट एपिसोड है भाई। तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे ऑडी टीटी TFSI क्वाट्रो। कैसे हो भाई? भाई आपका नाम क्या है? ईशान। ईशान जी। ईशान भाई पहले तो आप अपने बारे बताओ कि यार व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? डोंट डू एनीथिंग, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। देखो आप कपल ऑफ बिजनेसेस रनिंग। हां ये बोलो ना। रिटायर्ड हूं मैं 5 साल से। अच्छा तो हम बता सकते हैं कि किस चीज से रिटायर्ड, मतलब कौन से जॉब करते थे आप जिससे रिटायरमेंट लिया आपने? जॉब करता ही नहीं था, बिजनेस है तो मैं रिटायरमेंट हुआ हूं ऑन फन फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। अच्छा अच्छा, ऐसा है। और मतलब क्या बिजनेस? मैं बचपन से ही करता आया हूं। हां हां, बट पिछले 5 सालों से फुल पावर कर रहा हूं। बिजनेस बता सकते हैं? हां हां बताओ। दुबई वाला बता दो फिर, वो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। सर आई हैव अ रेंटल कार बिजनेस दुबई में एंड जम्मू कश्मीर में मेरी वाइन शॉप्स है। भाई फिर तो ऑडी टीटी आपने थोड़ी ही थोड़े सस्ते में चले गए आप तो, और भी अच्छी ले सकते थे कुछ। इंडिया में ज्यादा, मतलब मैं एक्चुअली सिंस आई एम इन दुबई, तो मुझे इंडिया में गाड़ियों में पैसे खर्चना वर्थ नहीं लगता यार। नहीं ठीक बात है, सस्ती गाड़ियां हैं। जितने में मैं यहाँ एक लैम्बोर्गिनी लूंगा उतने में हो सकता है 3 आ जाए, बिल्कुल 4 भी आ जाए। भाई ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, दुबई तो यार बहुत आगे भी तो है ना हमारे कल्चर से। अगर करे भाई आप जरा मुझे बताओ यार, दुबई में आपका किस नाम से कार रेंटल बिजनेस? क्योंकि बहुत लोग जाते हैं रेंटल। पवी 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 कार रेंटल्स। ओके बहुत सही भाई, ठीक है भाई। हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑडी टीटी तो है, ठीक है हम बात करेंगे अच्छे से द बिग डील। इतना सब कुछ बिजनेस करने के बाद भी यूट्यूबर का काम भी आप चौपट करना चाह रहे हो चैनल खोल के? हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं एक्चुअली यूट्यूब कर रहा हूँ सिर्फ टू गाइड पीपल की सही सही चीजें क्या है। अच्छा nowadays, I've recently bought a ZX10R। अच्छा मैं मोटो व्लॉग्स करता हूँ, तो आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू गाइड जो नए यूथ है उनको कि सही चीज क्या है और गलत क्या है। मतलब अपने पैशन के लिए कर रहे हो? पैशन के लिए, और इन ऑर्डर टू गाइड द यूथ, बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स हैं कुछ भी डाल देते हैं, नाके तोड़ रहे हैं, लड़कियां गिरा रहे हैं, ये है वो है। ठीक बात है, दैट इज नॉट कॉल्ड एक्चुअल मोटो व्लॉगिंग। तो यार आप बाइक वाले बंदे हो, गाड़ियों में कैसे मतलब आए? मैं एक्चुअली गाड़ी वाला था। हाँ गाड़ियों में मैं, पर अब बाइक में जो टॉक्सिसिटी चल रही है बाइक कल्चर में उस तरह उस वजह से आप आए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये मैंने बहुत हार्श बोल दिया। मेरे 3 ज्यादा जो मुझे चीजें पसंद है कलेक्ट करना इज लाइक कार्स बाइक्स एंड शूज। अच्छा पर भाई आप शूज कलेक्ट करने की बात कर रहे हो, आपने पहना क्रॉक्स ही है? भाई साहब ये लेके आया मुझे घर से उठा के ऐसे जबरदस्ती। मैंने तो बोला कि ऑब्वियस ही बात है आप किसी से मिलना है सो यू हैव टू बी इन अ गुड ड्रेस अप। पर कोई नहीं भाई, ये काम आपकी जो गोल्ड चेन और रिंग्स है ये काम कर रही है। नहीं, वो भी नहीं पहना अभी मैंने, गोल्ड भी नहीं पहना हुआ। यार अब हम जरा बात करें भाई, आप जरा बता दो ना मुझे ऑडी टीटी आपने कब ली? क्योंकि 15 में ली। अच्छा और 17 में डिसकंटिन्यू हो गई थी जी, जी, तो आप फर्स्ट ओनर हो उसके? क्योंकि अक्सर मैं आजकल देख रहा हूँ जो बंदे ऑडी टीटी पे जा रहे हैं ऑफ कोर्स अभी के वक्त उनको सेकंड हैंड ही लेनी पड़ेगी, थर्ड हैंड फोर्थ हैंड। हाँ यार ये गाड़ी इतनी बढ़िया है भाई, 2 लीटर का इंजन है ना, टर्बो है ना, कितने BHP टॉर्क इसका स्टॉक में जरा बता दो आप? स्टॉक क्योंकि हमने अभी बात करी थी इससे रिलेटेड, दिस इज अभी जो ये प्रोड्यूस करी है इट्स 478 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है। और BHP 230 के आसपास, 280 से अबव है, 280 से अबव स्टॉक में 230 आता था, 230 स्टॉक में 210 आता था, 210 के आसपास, ठीक है। लेकिन यार ये बताओ बंदे, ऑफ कोर्स मैं एक चीज भी भाई बोलना चाहूंगा आज अपने वीडियो में, ट्यूनिंग का जो कल्चर है वो स्पोर्ट्स कार से ही आया है, जो आज बंदे नॉर्मल गाड़ियों में करवा रहे हैं, है ना। तो ये सवाल पूछना मेरे हिसाब से गलत है कि भाई आपने ऑडी टीटी में ट्यून क्यों करा लिया? बिल्कुल, क्योंकि अक्सर बंदे स्पोर्ट्स कार को ही ट्यून करा के, अभी पता पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी सिंस सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन दिस, अभी सब समझ आ रहा है लोगों को कार कल्चर एक्चुअली है क्या, है ना। बिल्कुल, तो उसके लिए हम जैसे क्रिएटर को भी थैंक्स बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग थैंक यू, सही गाइड करते हैं यार, जो यूथ कोशिश रहती है सही गाइड करने की। मैं आपके चैनल पे देखता रहता हूँ, बहुत सारे भाई हैं यहाँ दिल्ली स्पेशली रोहिणी से आपके बहुत सारे भाई। अरे भाई रोहिणी में तो कार कल्चर कुछ गलत ही है भाई, भाई रोहिणी मैं बताऊँ एक चीज बोलना चाहूंगा, रोहिणी का कार कल्चर अलग चल रहा है दिल्ली से, ठीक है मैं बता रहा हूँ। और जब इंसान अलग चलता है ना तभी वो बड़ा करता है,
और वो बड़ा करेंगे भाई मुझे लग रहा है, ठीक है ऑफ कोर्स रोहिणी वालों देख लो भाई ने बोल दिया है करना पड़ेगा। मजा आ रहा है लेकिन उनकी गाड़ियां देख के भी मजा आता है यार, है ना? और वो एक जो स्वैग है ना भाई से हम नहीं हटाएंगे, हम चलान होता है भाई सही में यार, दिल ले लिया भाई आपने बात बोल के, ठीक है यार। ये बताओ इस गाड़ी पे मतलब क्या ड्रॉप इसका जो मुझे दिख रहा है इतना ही है या फिर कुछ आपने कॉइल ओवर सस्पेंशन कुछ कुछ नहीं? क्या लेने की वजह थी टीटी, जरा ये बताओ आप क्या सोचता है इंसान? बजट फ्रेंडली कार थी और स्पोर्ट्स भी, मतलब मजे पूरे 70 लाख के आसपास ऑन रोड है ना इसका, 75 ऑन रोड है यार। 75 के बजट में अगर आपको टू सीटर चाहिए, आपको नहीं लगता कि Z4 मेरी फेवरेट गाड़ी है? Z4 मेरे ऑप्शन में कभी रही ही नहीं है एक्चुअली, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं BM लवर हूं भाई, बट मैं आई डोंट लाइक BMW। ये इसका रीजन बताओ भाई, ये क्यों BM क्यों नहीं पसंद? एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट अभी एक नई गाड़ी आई है, आई एम प्लानिंग टू बाय, मुझे अच्छी लगी है वो, दैट्स 340i BMW भाई। मैं मुझे BMW सच में बहुत सही लगती है। आपने ऑडी लेने का क्या मतलब यार? उस टाइम पे अच्छा बजट था, तब तक M3 M4 इतनी कॉमन नहीं थी गाड़ियाँ। हाँ। ये एक आई कैचर गाड़ी थी, आई कैंडी सबके लिए, कहीं भी चले जाओ, मतलब आज भी ऐसा है कि आप रोड पे लेके चल रहे हो तो गिव्स यू हेल लॉट ऑफ रिएक्शंस। अच्छा पहली नजर में ऑफ कोर्स टीटी तो लगती है, पर मैं हल्की सी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद करूंगा ना भाई, आपने यहाँ पे जो रैप कर रखा है जी कार्बन फाइबर का जी, आप हम खुद बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा R8 से सिमिलर लगती है ये। अब R8 भी आई है टीटी से, पर R8 बंद हुई। अच्छा R8 भी डिसकंटिन्यू, R8 RS लगभग मोस्टली गाड़ियाँ, आप बिकॉज जो पुरानी गाड़ियाँ थी अब वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं, अब नई जनरेशन है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, पावर चाहिए, तो कंपनी खुद ही दे रही है आज की डेट में। ऐसे होता था पहले, हम गाड़ी खरीदते थे हमें करवाना पड़ता था, हाँ। लेकिन अब कंपनी खुद ही इतनी सारी चीजें दे देती है, मुझे लगता है वो BM में थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं, है ना? जैसे मैं बता रहा हूँ 340i इज लाइक रॉकेट है गाड़ी, बिल्कुल। मेरे एक फ्रेंड के पास है और वो मुझे डर लगता है उसके यहाँ बैठने मैंने बोला बाबू मैं लूंगा, फिर बैठेंगे एक साथ। इस ग्रिल का जरूर बताओ भाई, ये ग्रिल अपनी स्टॉक है? स्टॉक, ठीक है। एंड हेडलाइट्स वगैरह ऑफ कोर्स स्टॉक है, इसके अलॉयज भी आपने चेंज नहीं कर रखे है ना? नहीं, जरा ये बताओ आप क्यों चेंज करने पड़े, या जस्ट फॉर लुक्स? जस्ट फॉर लुक्स एक्चुअली। तो स्पोर्ट्स कार वाले बंदे अलॉय भाई कौन क्या दिमाग में होता है जब वो जाते हैं अलॉय लेने, और कितने का बजट रहता है जरा ये भी बताओ यार। बजट का एसेट कभी सोचा नहीं है, बट चीज पसंद आ जाए। दिस अलॉय कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 2 लाख रुपीस। अच्छा, और देखने मुझे भाई लग रहा है 19 इंचेस के आसपास, 19 ही है। ओके, दिस अलॉय मतलब विद टायर्स एंड अलॉय कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 360, मुझे लगता है ट्यून होने के बाद ही आपने चेंज कराया होगा। नहीं, मैं करवाता रहता हूँ हर 5-6 हज़ार किलोमीटर। हाँ, ये 5,000-6,000 ही चलते हैं बिकॉज ऑफ ड्राइविंग वैसा है। अच्छा भाई का YouTube चैनल तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ ये Instagram है, इसे भी फॉलो करना है भाई। अगर हम बात करें स्पॉइलर है जी, अच्छा ऑफकोर्स थोड़ा सा लिप, अच्छा ये वैसा है क्या कि हम इसको चाहे तो लिप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? ये अपना ये कंपनी ऐसा देती थी, ऑटोमेटिक है। हाँ, वैसे तो मैं ऑन रख सकता हूँ, बट इसमें ऑप्शन क्या है, जैसे 140 जाएगी खुल जाएगा, 140 से नीचे अच्छा आएगी, अच्छा अच्छा नहीं यार ये तो मैं चिकन कीप इट ऑन है इस पर, मतलब थोड़ा लुक्स एनहांस हो जाए। और मुझे तो भाई स्पॉइलर का काम ही ऑफकोर्स हाई स्पीड में है ना, फॉर एरोडायनामिकली। यार साउंड सुना देते भाई, हम बात तो बहुत कर रहे हैं, स्टेज टू ट्यून्ड है, ठीक है, ऑडियंस भी बोलेगी यार साउंड सुनाओ फिर आगे बात करो ना। हाँ यार, एंड इवन दिस कम्स विद अ वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट, मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। क्यों यार, स्पोर्ट्स कार वाले बंदे भी वेल्वेट्रॉनिक पे क्यों जा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आपको साइलेंट जगह, मतलब अपना भी एक पीस ऑफ माइंड होता है, बस उस बाहर लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। चलो ठीक है, ठीक है। क्रैकल पॉप एंड बैंग भाई इकट्ठे आ रहा है मुझे। नहीं अभी डलवाया ही नहीं, अभी हमने इसमें कुछ नहीं, ये सिर्फ अच्छा का कमाल है, अभी हमने पॉप एंड बैंग्स डलवाना है इसमें।
लेकिन इससे अगर हमें कंपेयर करना भाई कौन सी गाड़ी से हम कर सकते हैं इतना बेसिक इंटीरियर स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में, कोई है ऐसा ऑप्शन में? पुरानी गाड़ी आप कोई भी ले लो, वूफ और BMW था ऑप्शन, R8 का भी इतना ऐसा ही ज्यादा कुछ खास था नहीं R8 में भी। तो ये R8 और ये मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इवन इंटीरियर ज्यादा कुछ है नहीं, पुरानी गाड़ियां पुरानी भी पर नहीं है, अब जो आ रही है अब जो उनमें थोड़े सा अभी तो R8 डिसकंटिन्यू हो गई है। हाँ। तो जो अब लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है लाइक 340i, उसमें अब क्या हो गया कि जैसे नई जनरेशन आ रही है उनको चाहिए कि हमें वायरलेस चार्जर भी चाहिए, भाई साहब हमें स्क्रीन पे गूगल मैप्स भी चाहिए, हम इनके बगैर चल ही नहीं सकते। मैं पता भाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अब ये बात तुम समझ जितने लोग भाई से मैं अच्छा बताओ बताओ जब अगर कोई एक्चुअल कार लवर है ना आप उसकी गाड़ी में बैठोगे ना वो ये भी उतार देगा। अच्छा अगर आपने देखा है इफ यू आर फॉलोइंग द कार कल्चर फाइंड द ट्रू कार एंथुसियास्ट एंड यू विल सी उनकी पीछे सीट्स भी नहीं होंगी, सिस्टम भी नहीं होगा, मतलब दे बिलीव इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस नहीं यार, ये आपकी बात ठीक है। आओ यार अब इस गाड़ी को हमने शॉर्ट स्पिन के लिए निकाला और भाई इसमें सच में यार जो बैक फायर्स है ना बिल्कुल ये तो मानने पड़ेंगे यार, ये यहाँ से निकल जाएगी गाड़ी भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ से तो आराम से अपनी गाड़ी निकल जाएगी, पर धीरे धीरे ना इस लोकेशन में इन लोगों ने ना ये जो अपना क्या बोल सकते हैं डंडा बैरिकेड, ये बैरिकेड ना धीरे धीरे भाई ये लोग नीचे करना शुरू कर दिया, इनको पता नहीं क्या कितना तेज है कि भाई हम अब हाईलेक्स वगैरह नहीं ला रहे, हम छोटी गाड़ियां ला रहे हैं। ठीक है वो वाली बात है भाई, इसको एक बार मैं यहाँ से बाहर निकाल के मेन रोड पे ले जाऊं तब मुझे ओ बेहतरीन बेहतरीन भाई, ये तो वाली बात हो गई कि यार मैंने स्टेज टू ट्यून्ड और गाड़ियां भी चलाई है, 2 लीटर इंजन भी है, पर ऑफ कोर्स मुझे घर नहीं जाने देगा, मुझे लग रहा है पुलिस रोक लेगी भाई यार क्या गाड़ी है यार भाई, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस सेगमेंट की कार्स में ना ट्यून कल्चर में उतना ज्यादा अच्छे से मैं नहीं डीप इन गया हूँ। ठीक है फिर से टेढ़ी निकाला ये क्योंकि ज्यादा अच्छा वाला स्पीड ब्रेकर है भाई, काफी अच्छा है, इसी टेढ़ी करके यू हमने ऐसे निकाल दी। ठीक है अब आप फिर से डराओगे मुझे भाई, इसका एक पुश है यार भाई, ये गाड़ी आप डे टू डे डेली निकालते हो? हाँ दिस इज डे टू डे ड्राइव, नहीं नॉट एक्चुअली एवरी डे, बट सही है वीकेंड्स पे बीच में कभी मूड करता है तो ले जाओ। पर एक चीज़ भाई मतलब मजा आ जाता होगा आपको ना। ऑब्वियसली बात है यार, अभी के टाइम में कितना प्राइस चल रहा है सेकंड हैंड कार डील में ऑडी टीटी का? यार जिनके पास है एंड जिनको इसकी नॉलेज है गाड़ी है क्या, दे आर नॉट सेलिंग इट, मिलती नहीं है इजीली टीटी आपको, और जो जिनके पास है दे आर सेलिंग इट फॉर कुछ भी मुंह मांगी कीमत है इसकी। और इसकी ट्यूनिंग में कितना खर्चा आ गया? यार ओवरऑल मैंने लाइक इस गाड़ी पे अभी तक हो सकता है कुछ 10-12 लाख रुपए खर्च दिए होंगे। 10-12 लाख? जी 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 भाई, एक बार जरा बताना कैसे कैसे कुछ अगर आप कर पाओ। ट्यूनिंग है, अब अलॉयज है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने RES का वेल्वेट्रॉनिक डाला हुआ है। अच्छा, जस्ट फॉर 3.5 स्पोर्ट्स, हां वो स्पोर्ट्स कार में अच्छा खासा खर्चा आता है, ट्यून्स भी महंगे हैं और ट्यून्स भी चेंज करता रहता हूँ, टायर्स हर 5,000 किलोमीटर पे चेंज हो जाते हैं भाई, इसीलिए आपकी गाड़ी चलाने मजा आ रहा है मुझे लग रहा है, ये रीजन है यार। आप कार इज लाइक अ गर्लफ्रेंड ओनली, जितना ज्यादा केयर करोगे वो उतनी केयर करेगी आपकी। पर भाई मैं ऑफको 2015 वाले ऑडियो बैठ के मुझे लग रहा है यार ये परफॉर्मेंस, देखो स्टेज टू हम सब मानते हैं ठीक है, पर परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का, मतलब कोई ये नहीं बोलता कि परफॉर्मेंस नहीं है। सर मैं ये बोल सकता हूँ आप किसी भी गाड़ी को ले आओ बट ऑन अ ट्रैक, अपने जो भाई लोग हैं जो प्रथम शौकीन वगैरह जो भाई अपने ड्रैग करते हैं जी जी जी। उनकी भी रिस्पेक्ट है भाई, क्योंकि सड़क पे करना भी इजी नहीं है, बहुत रिस्की है। नेगेटिव्स भी बता दूंगा इस गाड़ी के, क्योंकि यार ऑफ कोर्स हर चीज तो बढ़िया होगी नहीं, कुछ तो गलत होगा इस गाड़ी में। ओनली नेगेटिव थिंग आई फाइंड इन दिस कार इज मैं हर जगह इसको लेके नहीं जा पाता। अच्छा हाँ ठीक है उसके अलावा सब बढ़िया है, एसी इज वर्किंग फाइन, एवरेज भी अभी ट्यून के बाद भी इट्स गिविंग मी एन एवरेज। आपको मन नहीं करता, बस एक लास्ट सवाल पूछूंगा मैं, इसको चेंज कराने का मन नहीं करता आपको? किसको? इसका आता ही ऐसे। अच्छा इसके अलावा टीटी आएगा ही नहीं अब कुछ आफ्टर मार्केट में, कोई मतलब ऑप्शन नहीं है? अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं है तो ठीक है यार, ये वीडियो यहीं तक थी,
एंड सबसे मेन भाई आपको हम बहुत ज्यादा थैंक यू बोलेंगे भाई कि आपने यार हमारे सामने ऑडिटी का रिव्यू, एक ओनरशिप रिव्यू रखा, ठीक है। एंड भाई ये सीट्स अच्छा बच्चों के लिए, हाँ बैठ जाते हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ कभी कभार, अच्छा मेरे किसी को बिठाना हो तो बैठ, दिल तो बच्चा है जी, हाँ काइंड यार ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर तुम लोग अगर कोई मॉडिफाइड गाड़ी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, जाके अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी के साथ बनाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब 30 मिनट्स एंग वाइट डबल एफ जो है भाई को तुम्हें सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मैं सारी डिटेल ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी चलो कल मिलते, ऑफकोर्स कल या उससे अगले वाला कल, पर बेहतरीन एपिसोड के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। एंड करते हैं वीडियो को, तो यार मैं मेरे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो तक के लिए, गुड बाय भाई, ऐसे करो Okay. बोलो साइनिंग आउट, ओके साइनिंग आउट गाइस, लव, ऐसे ही बोलते हो, फुल गलत ओके गाइस, साइनिंग आउट गाइस, साइनिंग आउट, ज्यादा मजाक मस्ती नहीं, ओ मेरी गर्ल चैनल है, ऑफ कोर्स फुल गलत।